सब्सक्राइब करें सो हाइपर चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्वाइपर। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जान पाएंगे लंबी दूरी तय करने वाली 10 ऐसी ट्रेनें, भारत की 10 ऐसी ट्रेनें हैं जो बहुत ज़्यादा लंबी दूरी तय करते हैं, 3000 किलोमीटर से 4000 किलोमीटर तक, उससे ऊपर भी ऐसी ट्रेनें हैं जो बहुत ज़्यादा लंबी दूरी तय करती हैं। इनकी सारी इन्फॉर्मेशन लिस्ट इस वीडियो में आप जान पाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन भी ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन ना सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो के अंदर चल के आज कुछ नया जान लेते हैं। ओके दोस्तों, नंबर 10 से हम शुरुआत करते हैं। जो नंबर 10 पे स्टैंड कर रही है ना, डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस। दोस्तों ये एक मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है। इस ट्रेन का ट्रैवल डिस्टेंस 3355 किलोमीटर का है, जो 68 और 15 मिनट में कवर करती है, यानी 68 घंटे 15 मिनट में ये ट्रेन इस डिस्टेंस को कवर करती है। ये ट्रेन दोस्तों, इस ट्रेन के 50 हॉल्ट्स हैं और इस ट्रेन की एवरेज स्पीड 49 किलोमीटर पर आवर की होती है, तो ही मैक्स परमिसेबल स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर की रहती है। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस दोस्तों एक वीकली ट्रेन है जो आसाम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के तारम्बरम रेलवे स्टेशन तक चलती है। दोस्तों इसे इस ट्रेन में ना ऐसे ब्रेक लगे होते हैं। अब नंबर 9 पे बढ़ते हैं। जो नंबर 9 पे स्टैंड कर रही है, राप्ती सागर एक्सप्रेस। दोस्तों ये ट्रेन 3435 किलोमीटर का ट्रैवल डिस्टेंस तय करती है, जिसका ट्रैवल टाइम 62 घंटे 10 मिनट होता है, 62 और 10 मिनट होता है। दोस्तों ये ट्रेन केरल राज्य के एर्नाकुलम से बिहार राज्य के बरेली रेलवे स्टेशन तक चलती है। और राप्ती सागर एक्सप्रेस एक सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है जो 55 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से चलती है, और इस ट्रेन की मैक्स परमिसेबल स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर तक रहती है। अब नंबर 8 पे बढ़ते हैं। जो नंबर 8 पे है, बेंगलुरु हमसफर एक्सप्रेस। दोस्तों बेंगलुरु कैंट से अगरतला तक चलने वाली ये हमसफर एक्सप्रेस एक सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है। दोस्तों इस ट्रेन का टोटल ट्रैवल डिस्टेंस 3545 किलोमीटर का है, जो 54 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से 65 घंटे 30 मिनट में ये तय करती है, 65 और 30 मिनट में। वही इस ट्रेन की मैक्स परमिसेबल स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर की होती है। अब नंबर 7 पे बढ़ते हैं। जो नंबर 7 पे स्टैंड कर रही है, बेंगलुरु न्यू तिनसुकिया वीकली सुपरफास्ट। दोस्तों ये वीकली सुपरफास्ट ट्रेन है और जो लॉन्गेस्ट दूरी तय करने में सबसे यानी बेस्ट सुपरफास्ट है। दोस्तों ये ट्रेन बेंगलुरु जंक्शन से न्यू तिनसुकिया जंक्शन तक चलती है, जिसका ट्रैवल डिस्टेंस 3589 किलोमीटर का होता है, 3589 किलोमीटर का होता है। तो वही ये ट्रेन इस डिस्टेंस को 65 घंटे 35 मिनट में कवर करती है, 65 आवर 35 मिनट में कवर करती है। दोस्तों इस ट्रेन की एवरेज स्पीड की बात करें तो 55 किलोमीटर पर आवर तक होती है, और मैक्स परमिसेबल स्पीड की बात करें तो 110 किलोमीटर पर आवर की होती है। अब हम बढ़ते हैं नंबर 6 पे। जो नंबर 6 पे स्टैंड कर रही है, तिरुनेलवेली श्री माता देवी देवी कटरा एक्सप्रेस। दोस्तों एक मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है जो तिरुनेलवेली जंक्शन से श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन तक चलती है। दोस्तों इस ट्रेन का ट्रैवल डिस्टेंस की बात करें तो 3633 किलोमीटर का है, जो ये ट्रेन इस डिस्टेंस को 71 आवर 20 मिनट में कवर करती है, 71 घंटे 20 मिनट में तय करती है। दोस्तों इस ट्रेन की एवरेज स्पीड 51 किलोमीटर पर आवर तक होती है, और मैक्स परमिसेबल स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर तक होती है। अब हम नंबर 5 पे बढ़ते हैं। जो टॉप 5 की लिस्ट में आ रही है, नवयुग एक्सप्रेस। दोस्तों मैंगलुरु सेंट्रल से श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन तक चलने वाली ये ट्रेन मेल और एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, जिसका टोटल ट्रैवल डिस्टेंस 3686 किलोमीटर का है, और ये ट्रेन इस डिस्टेंस को 70 घंटे 15 मिनट में तय करती है। दोस्तों इस ट्रेन की एवरेज स्पीड 52 किलोमीटर पर आवर की है, वही मैक्स परमिसेबल स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर की होती है। दोस्तों ये ट्रेन के इस ट्रेन के ना 61 हॉल्ट्स हैं, यानी 61 स्टॉप्स इस ये ट्रेन लेती है। अब नंबर 4 पे बढ़ते हैं। जो नंबर 4 पे स्टैंड कर रही है, हिमसागर एक्सप्रेस। दोस्तों इस ट्रेन के बारे में मैंने स्पेशल एक वीडियो भी बनाया है, आप देख सकते हैं उसको। कन्याकुमारी से श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन तक चलने वाली ये हिमसागर एक्सप्रेस एक
मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है। दोस्तों ये ट्रेन 3,789 किलोमीटर के डिस्टेंस तक चलती है और इस डिस्टेंस को तय करने में हिमसागर एक्सप्रेस को 73 घंटे 5 मिनट लगते हैं, यानी 73 घंटे 5 मिनट लगते हैं, जहां 69 स्टॉप्स आते हैं इस ट्रेन को ट्रेन में। दोस्तों इस ट्रेन की एवरेज स्पीड 52 किलोमीटर पर आवर होती है और मैक्स परमिसेबल स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर तक होती है। अब नंबर तीन पे बढ़ते हैं हम, जो नंबर तीन पे स्टैंड कर रही है अरनाई एक्सप्रेस। दोस्तों तिरुवनंतपुरम सेंट्रल से सिलचर रेलवे स्टेशन तक चलने वाली ये ट्रेन एक सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है, जो 3,932 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करती है, जिसका ट्रैवल टाइम 74 आवर 5 मिनट होता है। दोस्तों ये ट्रेन के 56 हॉल्ट्स होते हैं, वही ये ट्रेन 53 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से चलती है। अब हम बढ़ते हैं नंबर टू पे, जो नंबर टू पे स्टैंड कर रही है तिरुवनंतपुरम सिलचर एक्सप्रेस। दोस्तों तिरुवनंतपुरम से सिलचर रेलवे स्टेशन तक चलने वाली ये ट्रेन एक सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है, जिसका ट्रैवल डिस्टेंस 3,927 किलोमीटर का होता है। दोस्तों इस ट्रेन की ट्रैवल डिस्टेंस होता है और ये ट्रेन इस ट्रैवल डिस्टेंस को तय करती है 76 घंटे 35 मिनट में, यानी 76 आवर 35 मिनट में इसके ट्रैवल टाइम में ट्रेन तय करती है, जहां इस ट्रेन को 54 स्टॉप्स पर रुकना पड़ता है, यानी 54 हॉल्ट्स पर रुकना पड़ता है ये ट्रेन रुकती है। ठीक है दोस्तों, इस ट्रेन की एवरेज स्पीड 51 किलोमीटर पर आवर होती है और मैक्स परमिसेबल स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर तक होती है। अब हम लास्ट बट लीस्ट नंबर वन पे बढ़ते हैं, जो है विवेक एक्सप्रेस। दोस्तों आपने नाम सुना भी होगा, इसके बारे में अगर स्पेशल वीडियो होना आपको तो कमेंट करिए, मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा। दोस्तों कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ शहरों को जोड़ने वाली विवेक एक्सप्रेस भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। दोस्तों ये एक मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है। विवेक एक्सप्रेस ट्रेन का ट्रैवल डिस्टेंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा भारत की सबसे ज़्यादा लंबी दूरी तय करने वाली यही ट्रेन है। 4,243 किलोमीटर का ट्रैवल डिस्टेंस होता है इस ट्रेन का, जिसे ये ट्रेन 79 आवर 40 मिनट में तय करती है, 79 घंटे 40 मिनट में ट्रेन तय करती है। दोस्तों ये ट्रेन 56 स्टेशन पर रुकती भी है, वही इस ट्रेन की एवरेज स्पीड 53 किलोमीटर पर आवर तक होती है और मैक्स परमिसेबल स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर तक होती है। अब दोस्तों आपने जान लिया है पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी लिस्ट। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को कर दीजिए लाइक यार, और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल पर नया हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज भी ना आप उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको अगले वाले वीडियो में। आज का वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।